इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, द लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। वैसे क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा लेंथी नज़र आता है, लेकिन कुछ एक छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम है। द मेन कॉन्सेप्ट टू बी टेकन केयर ऑफ इज, सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है, ऐसे क्वेश्चन आपने बोर्ड लेवल में किए होंगे। से ऊपर है 2x³ + 3x² - 5x + 7 अपॉन में 7x³ + 5x² - 2x + 4। आप जानते होंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन में न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्रोवाइडेड दोनों में x की मैक्सिमम पावर सेम हो। लेकिन न्यूमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर ज़्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर ज़्यादा है तो जीरो आ जाता है। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर तो केवल तब आता है जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की मैक्सिमम पावर सेम होती है, और ऐसी सिचुएशन में जब x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले ली जाती है तो आंसर हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x इन द न्यूमिनेटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x इन द डिनोमिनेटर इज द आंसर। दैट इज मेरा मतलब है कि इन सारी टर्म से कोई मतलब नहीं है, द ओनली इंपॉर्टेंट टर्म इज द टर्म कंटेनिंग x³ इन द न्यूमिनेटर एंड टर्म कंटेनिंग x³ इन द डिनोमिनेटर, ऑल अदर टर्म्स आर यूजलेस। और आपको यह भी पता होगा कि सिग्मा आर इज n इंटू n प्लस 1 by 2 where r varies from 1 to n, similarly sigma r square sigma r cube दोनों की वैल्यू आपको पता है। मेन कॉन्सेप्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि इसमें r की डिग्री 1 है दैट इज इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन r, तो रिजल्ट विल बी ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन n। यदि यहाँ पे सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन r हो तो रिजल्ट विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन इन n, दैट इज इन जनरल आई कैन से इफ इट इज ए pth डिग्री इन r द रिजल्ट विल बी ए पी प्लस वन डिग्री इन एन। एंड कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड क्लियर है कि यदि मैं न्यूमिनेटर को ओपन करूंगा तो कैलकुलेशन के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी ए फोर्थ डिग्री इक्वेशन इन एन। लेकिन क्लियरिटी के लिए आपको मैं बता देता हूँ, यदि मैं इसको सिग्मा वाली फॉर्म में लिखता हूँ तो आई विल राइट सिग्मा आर स्क्वायर माइनस आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन into n mass r, and this is equal to sigma n into r square minus sigma n into r minus sigma r cube plus sigma r square। तो obviously इसकी expansion में n की जो डिग्री आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि यहाँ से एक्सपेंड करने पर n की डिग्री 2 आएगी, इन टू एन में इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। सिमिलरली इसके अंदर भी n की डिग्री 3 आएगी, लेकिन इसकी एक्सपेंशन में n की डिग्री 4 आएगी, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पर n की डिग्री 3 होगी, इन टू एन इस पूरे की डिग्री फिर 4 हो जाएगी, इसके अंदर भी डिग्री 4 आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों में डिग्री 3 होगी। These two terms are useless. Similarly in the denominator, इसको ओपन करेंगे तो n की डिग्री 3 वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट इज ऑल्सो यूजलेस। इसको ओपन करेंगे तो n की डिग्री 4 वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। Therefore, rejecting all those useless terms, I can say this is equal to limit n tends to infinity n into sigma r square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus इसकी वैल्यू आ गई n into n plus 1 by 2 whole square upon n into by 2 whole square। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था n की मैक्सिमम पावर वाले टर्म्स की ही इंपॉर्टेंस है, बाकी सब यूजलेस हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो n की पावर 4 के साथ क्लियरली 2/6 आएगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ n टू पावर 4 विल बी 1/3, और इसके अंदर n टू पावर 4 के साथ 1/4 आएगा,
माइनस 1 बाय 4 अपॉन इसके अंदर n की पावर 4 के साथ 1 बाय 4 आएगा, दैट इज आई विल बी गेटिंग 1 बाय 12 अपॉन 1 बाय 4 दैट इज 1 बाय 3, दैट द करेक्ट चॉइस इज सेकेंड चॉइस।